हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार ब्लूटूथ डीजे। ठीक है दोस्तों, इसके स्पीकर चाहिए दो स्पीकर चाहिए और एक एम्पलीफायर किट, इसमें आईसी लगी रहती है। ठीक है, इसमें चार्जिंग जैक है और एक वॉल्यूम है और यहाँ पर है 4 वोल्ट की बैटरी। ठीक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है जिसका नाम है के कूल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये बहुत अच्छा चैनल है, करीब दोस्तों मैं क्या प्रमोशन करूँगा, वो तो मेरे खुद प्रमोशन करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा चैनल है उनका, बहुत बड़ा नहीं मतलब कि मेरे से बड़ा है, 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ब्लूटूथ का मॉड्यूल है, ब्लूटूथ पैनल कह सकते हो, ब्लूटूथ कार्ड कह सकते हो, ब्लूटूथ किट कह सकते हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे हेलिक्स एंटीना है, राइट है, लेफ्ट है और ग्राउंड है दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं, आपको जो एंटीना वाला वायर है वो आपको रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देना है एंटीना। ठीक है, और बाकी जो तीनों सफ़ेद है उसको राइट लेफ्ट जैसे आप चाहो कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। राइट और जो ये है ना एंटीना का वायर एक साथ कनेक्ट कर देना है, उसके बाद जो ग्राउंड और एक लेफ्ट ये वाला कनेक्ट कर देना है दूसरे सफ़ेद वायर से। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सर्किट है यहाँ पर। दोस्तों आपके स्पीकर का आप यहाँ से पेंसिल से मार्किंग करके कट कर सकते हैं, बहुत इजी है। सोल्डिंग आने से कट जाएगा, हेक्सा ब्लेड हो तो उससे भी कट जाएगा, और जैसे आप काट सको उसे कट सकते हैं। मैंने सोल्डिंग आने से काटा है, इसे थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है इसको। ठीक है, मैं इसको चिपका दूँगा ग्लूगन से, आराम से चिपक जाएगा। दोस्तों ये एम्पलीफायर में कैसे वायरिंग करना है, दोस्तों जो ग्राउंड वाला वायर है एम्पलीफायर में उसको सफ़ेद वाले वायर से कनेक्ट कर देना है, जो इनपुट वाला वायर है उसको लाल वाले वायर से कनेक्ट कर देना है, मतलब इनपुट यानी प्लस और ग्राउंड यानी माइनस। ठीक है दोस्तों, को पैरेलल कनेक्शन कर देना है स्पीकर में, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल आपको आता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी है, तो देखिए और समझ जाइए ऐसे है वायरिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा जूम तो मैंने दिक्कत दिया है दोस्तों। ये स्पीकर का प्लस वाला वायर है दोस्तों, आप बता दूँ आपको इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी तरफ से पूरा प्रिंटेड है, यानी कि दिक्कत है दोस्तों। इसमें एल प्लस भी आपको देखने को मिलेगा, वो लाइट के लिए, आप चाहो तो यहाँ पर लाइट लगा सकते हो दोस्तों, मैं लाइट नहीं लगाऊंगा दोस्तों। ये बैटरी के वायर हैं पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, और के कूल एक्सपेरिमेंट चैनल को जरूर देखना है आपको। मैं इस चैनल का लिंक एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। ठीक है, और ये है ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन भी हो गया दोस्तों। आप खुश रहो, बच क्यों नहीं रहा, ये स्पीकर क्यों नहीं बोला ब्लूटूथ मोड, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे एम्पलीफायर को ऑन किया नहीं है, एम्पलीफायर का एक स्विच है उसको मैंने ऑन किया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी बोलेगा, रुकिए अभी बोलने वाला है ये। देखिए मैं कनेक्ट कर दिया, अब मैं इसे चलाऊंगा। मैं YouTube में NCS का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इसकी पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये क्रिएटर हैं तो आपको NCS का ही म्यूज़िक लेना है। ठीक है, मैं मान लीजिए ये वाला वीडियो पे कर दे रहा हूँ, मतलब ऑडियो दोस्तों। ये ऐड आ रहा है, ऐड को मैंने यहाँ पे स्टॉप कर रखा है, और यहाँ से म्यूज़िक हो गया प्ले। और भाई ये बहुत अच्छी ज़्यादा आवाज़ है, शायद आपको नहीं दे रहे क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आती है मेरे रूम से। तो और भाई कैसे लगा आपको आवाज़? ठीक है दोस्तों, बढ़िया लगा होगा आपको, क्योंकि दोस्तों वायरिंग करा दूँ दोस्तों। मैंने जो बताया होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बैटरी मैंने यूज़ की थी 4 वोल्ट की बैटरी, वो दोस्तों एक थी, लेकिन दोस्तों एक से नहीं चल रहा, तो मैं दो यूज़ कर लिया दोस्तों। पैरेलल कनेक्शन किया है आपको बताया सीधे।
दोस्तों यही होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, दिखा दूँ दोस्तों यही होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपको ये सारा दिख रहा है, ठीक है। तो इसी में से चैनल का लिंक होगा, एक होगा मैं लिखाऊंगा कि कूल एक्सपेरिमेंट चैनल लिंक।